राजस्थान में 7 विधानसभा में उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों की नामांकन की प्रक्रिया का आज अंतिम दिन रहा। गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी जुबेर खान के बेटे आर्यन खान और भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने रामगढ़ एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन फॉर्म भरा था। आज शुक्रवार को अंतिम दिवस को आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सुमन मजदोका ने दोपहर बाद अपना नामांकन रामगढ़ एसडीएम कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद के समक्ष पेश किया। फॉर्म भरने के दौरान उनके साथ आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत, प्रदेश उपाध्यक्ष रामनाथ, जिला अध्यक्ष राजा राम, जिला अध्यक्ष खैरतल कुलदीप जाटव, जिला उपाध्यक्ष सतवीर, जिला महासचिव अनिल जोनवाल मौजूद रहे। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राजा राम ने बताया कि इस बार हमने आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी के रूप में सुमन मजदोका को उतारा है। पिछले विधानसभा के चुनाव में आजाद समाज पार्टी से सुखवंत सिंह को प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें करीबन 73,000 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर आए थे। जुबेर खान ने जीत हासिल की थी और भाजपा के प्रत्याशी जय आहूजा तीसरे नंबर पर आए थे। इस बार भी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सुमन मजदोका के लिए पूरी मेहनत करेंगे। वहीं नामांकन प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए पर्यवेक्षक अनिल राजराय पहुंचे, जिन्होंने एसडीएम कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया का बारीकी से जायजा लिया। मैं सुमन पार्टी से प्रत्याशी चुनी गई हूं और मैं अभी फॉर्म भर के आई हूं मैं, और मैं यहां के क्षेत्र के लिए यही सोचूंगी, महिलाओं के लिए भी जो भी परेशानियाँ वो दूर करूँगी, बिजली पानी, जो महिलाओं के लिए पानी की समस्या है उसको दूर करूँगी, अगर सड़कों की प्रॉब्लम है गांव-गांव में तो उसको भी करूँगी दूर। जितने मेरे से, जितना मैं जीतने के बाद जितना मेरे से होगा, मैं हर एक परेशानी की दुख में और सुख में हमेशा उनके साथ रहूँगी। जानकारी में आया है कि पूर्व में भी आप रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं। हाँ जी। कितनी बार और कब कब चुनाव लड़ा आपने? मैं पहले जिला पार्षद रही हूँ मैं, उसके बाद मैंने हरियाणा की पार्टी थी इंटरनेशनल लोकदल, उससे मैं चुनाव लड़ी थी और पर नहीं हो पाया था। और उसके बाद मैंने हर बार बीजेपी से टिकट मांगी है, हर बार मांगी और बीजेपी ने हमेशा कहा जी हम आपका पैनल में डाल दिया है आपका, करते करते हमें हमेशा ही हमारे समाज को पागल बनाया है। इनेलो से कौन से सन में चुनाव लड़ा, कौन सी विधानसभा से? 2008 में कितने वोट मिले थे? उस टाइम इतना तो ध्यान नहीं है, मिले थे अच्छे वोट तो उसके बाद भी मैं हमेशा ही बीजेपी ने हमें ऐसे करा है, हमारे समाज को बेवकूफ़ बनाया। मैं चाहती हूँ हमारे समाज का नाम हो और दो अगर समाज मिल जाते हैं तो उसके बाद ये हमेशा ही टिकट निकल जाएगी, जाट समाज और हमारा समाज। और मैं चाहती हूँ कि हमारे दोनों समाज को भी आगे बढ़ाया जाए। वैसे तो हमें हर समाज का चाहिए वोट, पर हमारे वोट इतने ज़्यादा हैं पर हमें हमेशा ही किनारा कर दिया जाता है, हाँ जी करके, और दे दिया जाता है जिनके दो वोट हैं उन्हीं को ही टिकट दे दी जाती है। क्योंकि जिनका हमेशा ही हर जगह से, हर क्षेत्र से मैंने देखा है, जिनके ज़्यादा वोट होते हैं उनको तो टिकट दी जाती है। जब रामगढ़ से ज़्यादा वोट हैं ओड समाज के, ओड समाज को भी एकदम उसमें ले लिया जाता है, यही कहते हैं कि सारा समाज हमारा है।